जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम टू परमार यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी हम आज शुरुआत करेंगे। इसकी जो है हम आज टाइप वन अलोंग विद बेसिक कंसेप्ट, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है आज हम उनको सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक मीनिंग क्या है, कैसे हमारी एग्ज़ाम में अप्रोच रहनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के प्रति। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप वन स्टार्ट करेंगे विद ए कपल ऑफ नोटिफिकेशंस। अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और नाविक जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप परमार एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप एसएससी एग्ज़ाम के रिलेटेड एसएससी जीडी हो गया जैसे उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप परमार एसएससी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी जो टाइप वन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज हमारा ख़त्म हो गया है, इसकी टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री तीनों मैंने करवा दी हैं। आई होप आपने वो तीनों वीडियो सबसे पहले देख ली होंगी, क्योंकि अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस को अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं। तो इससे अच्छा अगर आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे स्विच कर रहे हो तो सबसे पहले आप परसेंटेज की वीडियोज देखोगे जो चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए अब हम अपना जो बेसिक कंसेप्ट है, मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग है, उसको सबसे पहले समझते हैं। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, लाभ। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और जो लॉस है इसका मतलब होता है हानि। इस स्लाइड में मैंने बेसिक मतलब समझा रखा है कि प्रॉफिट को हम बोलते हैं जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या हो, बड़ा, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, लाभ होगा। जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तब हमें क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। अब ये सेल, आप बोलोगे सर ये सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर हम मैंने सब कुछ लिखा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। सबसे पहले आप ये मीनिंग समझो कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट मतलब जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, बड़ा, और लॉस मतलब जब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस से क्या होगा, बड़ा। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हुआ हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस क्या हुआ हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये था हमारी एक बेसिक डेफिनेशन प्रॉफिट एंड लॉस के प्रति, कि प्रॉफिट हमारा हुआ लाभ। प्रॉफिट में ऑलवेज जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, बड़ा, और लॉस में आपका क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या ऑलवेज बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस से। और इनके जो फॉर्मूलाज है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा, आपने सारा प्रॉफिट एंड लॉस उसी अप्रोच से फॉलो करना है, आपको फॉर्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस, और जो हमारा लॉस होता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य, मतलब ऐसी कीमत जिस पे जो हमारा व्यापारी है वो खुद चीज खरीदता है। मतलब किसी चीज का जो ओरिजिनल प्राइस है, मतलब जो उसकी असली कीमत है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, द प्राइस एट विच गुड्स आर और हैव बीन बॉट बाय द मर्चेंट और रिटेलर, मतलब दुकानदार जिस कीमत पे जो चीज को खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब दुकानदार किस की कितने मूल्य पे कोई चीज को खरीद रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो आप एक बात आप हमेशा मेरी याद रखना कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो चीज का क्या होता है, किसी आइटम का क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। क्या बोलते हैं, लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस आपको समझ आया कि हुआ क्या, कॉस्ट प्राइस है हमारा कि कोई दुकानदार जो अपनी चीज वो बेच रहा है उसने कितने पे वो खरीदी है। जो चीज हम दुकान से लेते हैं वही दुकानदार ने चीज कितने की खरीदी है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य। मतलब किसी चीज की जो ओरिजिनल प्राइस है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस का मतलब, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉस्ट प्राइस मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस मतलब किसी चीज का जो लागत मूल्य है, मतलब किसी दुकानदार को वो चीज कितने पे पड़ी वो हुआ उसका कॉस्ट प्राइस, दुकानदार ने हमें वो चीज कितने पे बेची वो हुआ उसका सेलिंग प्राइस। तो ये था हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जो जिस रेट पे हम दुकानदार से खरीद रहे हैं वो हुआ सेलिंग प्राइस, जिस रेट पे दुकानदार खरीद रहा है वो हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट में क्या होगा, जो आपका ये सेलिंग प्राइस है ये बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। ये इंडिकेशन है कि जो दुकानदार को क्या हो रहा है,
लाभ हो रहा है। लाभ होने की इंडिकेशन क्या है कि जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, और हानि की क्या इंडिकेशन है, लॉस की क्या इंटीग्रेशन है, उसका है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो हमारा बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। मतलब कोई दुकानदार अगर जितने पे उसने चीज़ खरीदी है उससे हमें ज़्यादा रेट पे बेच रहा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट। और कोई दुकानदार जितने पे उसने चीज़ खरीदी है उससे कम पे हमें बेच रहा है तो उसको क्या होगा, लॉस। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट में हमेशा जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। लॉस, लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस, उसमें जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस मतलब दुकानदार ने किस रेट पे आपको चीज बेची। कॉस्ट प्राइस क्या है कि दुकानदार ने किस रेट पे खुद चीज खरीदी। अगर दुकानदार ने आपको चीज अपने दाम पे ज़्यादा की दी तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब उसने अगर चीज़, मत सपोज करो एक शॉपकीपर है, उसने एक चीज़ 40 रुपए की खरीदी और वो बेच रहा है 60 की, तो आप देख के बोलोगे कि सर उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का, 20 का। 20 का कैसे, 60 माइनस 40, उसने खरीदी कितने पे थी, 40 पे, बेची कितने पे, 60 पे, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। तो ये होता है प्रॉफिट का मतलब कि आप जितने पे खरीद रहे हो उससे महंगे दाम पे अगर आप बेचोगे तो वो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस का, एक दुकानदार है उसने 30 रुपए की चीज खरीदी और वो उसको बेच रहा है 20 पे, तो आप बोलोगे सर इसको तो लॉस हुआ, तो मैं बोलूंगा कितने का लॉस हुआ, आप बोलोगे सर उसको लॉस हुआ 30 माइनस 20, 10 रुपए का लॉस हुआ उसको, कितने का लॉस हुआ, 10 रुपए का। तो ये था हमारा एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडा, प्रॉफिट एंड लॉस और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप अपनी निजी जिंदगी से रिलेट करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, अगर आप वही बुकिश लैंग्वेज में घुसेंगे तो आप फंस जाओगे। इसीलिए मैंने आपको ये शॉपकीपर वाली एग्जांपल दी। सेलिंग प्राइस क्या हुआ कि दुकानदार जिस पे बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या, दुकानदार जिस पे खरीद रहा है, प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट में दुकानदार ने जितने पे खरीदी है अगर वो उससे ज्यादा पे बेच रहा है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट। लॉस क्या, अगर दुकानदार ने जितने पे खरीदी है वो कम पे बेच रहा है तो उसको क्या होगा, लॉस। तो ये था हमारा एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक मेरी सोच थी जो मैंने आपको देने की कोशिश करी प्रॉफिट एंड लॉस के प्रति। चलिए तो आगे हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। हाँ, प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं गेन मिले तो मतलब प्रॉफिट ही दिया है, और लॉस को हम लॉस ही बोलते हैं। प्रॉफिट को हम एक एडिशनल बोलते हैं गेन। मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एक भी फॉर्मूला का यूज़ नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। आप जैसा मैंने आपको मेथड सिखाना है अभी फर्स्ट स्लाइड में, यही मेथड हम टाइप 2 टाइप 3 में यूज़ करेंगे कि आपको फॉर्मूला से डर ना लगे, बट ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। फिर आता है प्रॉफिट परसेंट। एक तो हो गया सिंपल प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है कि अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने परसेंट पे प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक दुकानदार ने खुद चीज खरीदी 30 रुपए की और वो बेच रहा है 40 रुपए की, तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का। अभी आपने बताना है कि ये 10 का कितने प्रतिशत पे प्रॉफिट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। फिर इसके बाद आता है एक लॉस परसेंट। मतलब अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो कितने पे लॉस हो रहा है, उसको हम उसको बोलेंगे लॉस परसेंट। ये जो आपकी टाइप 2 है, ये जो वीडियो का साइज होगा ये छोटा होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजी है अगर आपने परसेंटेज को पढ़ा है। अगर आपने परसेंटेज की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो ये यहीं पे बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहले आपको परसेंटेज की वीडियो देखनी चाहिए जाके, क्योंकि परसेंटेज को अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में फंसोगे। तो इससे अच्छा मेरी आपके लिए ये एडवाइस है कि आप सबसे पहले परसेंटेज की टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने करवा दी है, आप उसको देखिए फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे आइए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस ऑफ सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट में जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होगा, बड़ा। लॉस में आपका कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस से बड़ा। अभी एक गेन परसेंट का फॉर्मूला लिखा है। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
मतलब जितने का दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है वो डिवाइडेड बाय जितने की उसने चीज़ खरीदी थी इनटू 100, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? गेन परसेंट की। लॉस परसेंट भी ऐसे, जितने का लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, ये आपको आने चाहिए, मतलब आपको इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि गेन परसेंट क्या होता है। गेन परसेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितने प्रतिशत पे हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो वो कितने प्रतिशत की हो रही है, उसको हम बोलते हैं लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। अभी ये गेन फॉर्मूला, अगर आपको गेन मतलब आप अगर आपको प्रॉफिट दिया हो, तो अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आपने क्या करना है, उस जो गेन है उसको 100 में प्लस करके, 100 से डिवाइड करके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। या बोलोगे सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये चुटकियों में निकालूंगा, चुटकियों में। मेरी बात समझ रहे हो? चुटकियों में। अगर आप वो मेरा मेथड सॉल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूलाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये मैंने इसलिए स्लाइड्स में डाले हैं ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, एक कॉन्सेप्ट है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस, ये होते हैं क्या है, इसकी आपको नॉलेज हो जाए। ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर ये है गेन फॉर्मूला। गेन फॉर्मूला मतलब अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है, आपने सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या करना है, आपने उस गेन को 100 100 में प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। अगर आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपने क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, सीपी निकालना है तो एसपी से मल्टीप्लाई करना है, अगर एसपी निकालना है तो सीपी से मल्टीप्लाई करना है। और लॉस परसेंट में भी, लॉस फॉर्मूले में भी आपका सेम ही चलेगा, बस उसमें क्या है, आप मेरी बात एक आप हमेशा याद रखना है कि आपने जो प्रॉफिट प्रॉफिट है वो ऐड होता है हमेशा, प्रॉफिट जो है वो हमारा ऐड होगा मतलब जमा होगा, और जो हमारा लॉस है वो ऑलवेज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, मतलब उसको हम निकाल लेंगे बीच में से। मतलब प्रॉफिट में हम चीज़ को जमा करेंगे और लॉस में हम उस चीज़ को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सी पी एंड एस पी फॉर्मूला, मतलब सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला। व्हेन यू हैव गिवन गेन, गेन मीन्स प्रॉफिट, एंड व्हेन यू हैव गिवन लॉस, लॉस मीन्स हानि इन हिंदी। ठीक है, तो ये था हमारा सी पी एंड एस पी फॉर्मूला। तो इस स्लाइड्स के बाद आएंगे टाइप वन के क्वेश्चन। यहाँ तक आपकी जो सोच है वो प्रॉफिट एंड लॉस के प्रति ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ मतलब जब आप कोई चीज अपनी चीजी हुई खरीद से महंगी पे बेच रहे हो तो मतलब आपको प्रॉफिट होगा। हानि मतलब अगर आपने चीज कोई 100 रुपये में खरीदी और आप 80 रुपये में बेच रहे हो तो आपको क्या होगी, हानि। और सेलिंग प्राइस जिस पे दुकानदार आपको चीज देता है, कॉस्ट प्राइस जिस पे वो खरीदता है ये चीज। ये बस इतनी सी सोच आप अगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में फुल मार्क्स स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज हम अपनी टाइप वन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैंने आपको अच्छे से बता दिए, अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो एक बार पीछे से फिर से देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो मैं आपको करवाऊंगा वो सभी एसएससी में पूछे गए हैं, कईयों के आगे मैंने लिखा है कि एसएससी में जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है बताना कि ये एसएससी में आया है, बाकी कईयों के आगे मैंने नहीं लिखा है। तो चलिए आज हम अपनी टाइप वन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹960 ए मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है कि एक वस्तु को एक बंदे ने ₹960 में बेचा तो उसको कितने की हानि हुई, 4% की क्या हुई, हानि। अब हमने उसका लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना है। ठीक है, अब इधर से आप एक कॉन्सेप्ट सीखना, उसको लॉस कितने का हुआ, आप बोलोगे सर 4% का, 4% का हुआ, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/100, 4/100। और एक बात मेरी हमेशा याद रखनी है, प्रॉफिट भी आप सीपी पे कैलकुलेट करोगे और जो लाभ भी आपको ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, और जो हानि है लॉस है ये भी आपको कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करना है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करोगे तब आपने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है, नहीं तो अदरवाइज आपको जो हमारा प्रॉफिट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, और जो हमारा लॉस है ये भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। तो हमें लॉस कितना दे रखा था, 4%, हमने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाई वो ही 1/25, कितनी हुई, 1/25। मतलब अगर चीज 25 रुपये की थी, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 25 रुपये का था, तो प्रॉफिट होने की वजह से उतने किसने पे बेची, उसने बेची 26 पे। 26 कैसे,
25 प्लस 1, इसका मतलब यही हुआ, लॉस बोल रहा है तो ये आ जाएगा 25 माइनस 1, 24। मैंने प्रॉफिट के हिसाब से बताया ना 25 प्लस 1, पर क्वेश्चन में बोला है लॉस, लॉस है तो माइनस करना है, प्रॉफिट है तो प्लस करना है। ठीक है, आपने क्या करा, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, वो आई 1/25। ये नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये ऑलवेज आपको कॉस्ट प्राइस ही बताएगा। मतलब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 25 रुपये था, हमें लॉस हुआ, लॉस कितने का हुआ, 1 का, कितने पे, 25 पे, तो हमारा वो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 24। अब हमने निकालना है कि कॉस्ट प्राइस कितना है, वो बोल रहा है सेलिंग प्राइस 24 नहीं, सेलिंग प्राइस हमारा 960 है, सेलिंग प्राइस 24 नहीं, सेलिंग प्राइस हमारा 960 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा 40। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 25 × 40, ये आ जाएगा 1000 रुपीज़। मतलब 1000 की चीज़ थी, उसने 960 पे बेची, तभी उसको 4% का क्या हुआ, लॉस। आपने कुछ नहीं करना, आपने फ्रैक्शन, ये जो आपको परसेंट वैल्यू दे रखी थी, आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये जो आपकी डिनोमिनेटर की वैल्यू है, ये ऑलवेज आपकी किसको बताएगी, सीपी को, कॉस्ट प्राइस को, लागत मूल्य को बताएगी ऑलवेज ये। फिर हमने क्या करा, उसने बोला लॉस हुआ ना, मतलब 25 की अगर उसने चीज़ खरीदी तो उसने 1 कम पे बेची, तो कितने पे बेची, 24 पे बेची, पर क्वेश्चन बोल रहा है 24 पे नहीं, उसने 960 पे बेची, तो 24 से 960 कितना ज़्यादा है, 40, तो 25 से भी 40 ज़्यादा होगा, तो आ जाएगा 1000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में समझ आ गया होगा, बाकी सारे क्वेश्चन इसी रिलेटेड है, ये सभी SSC में आ रखे हैं। ये है बेसिक क्वेश्चन, पेपर में आपको कोस्ट गार्ड के पेपर में आपको कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, AA, SSR जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें जो अरिथमेटिक पोर्शन है उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ज़्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में से नहीं आते। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि बाय सेलिंग अ कार ऑफ ₹64,000, मिस्टर राव को कितने का घाटा हुआ, 20% का। कितने का घाटा हुआ, 20% का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ, 20/100, मतलब 1/5। मतलब अगर उसकी लागत मूल्य 5 थी, तो उसको लॉस हुआ 1 का, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या बन गया, 4 का। समझ आई मेरी बात, ये ऑलवेज आपका किसको बताएगा, लागत मूल्य को, और ये क्या ऊपर वाला क्या बताएगा, लॉस या प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में लॉस बोला है तो ये लॉस को बताएगा, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट को बताएगा। इधर लॉस बोला था ना, तो ये लॉस को, तो सीपी में से अगर हम 1 घटाए तो हमें अपना सेलिंग प्राइस मिल गया। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 4 नहीं है, सेलिंग प्राइस हमारा 64,000 रुपीज़ है, तो 4 से 64,000 कितना ज़्यादा है, 16,000। तो 5 से भी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 है, पर वो 16,000 ज़्यादा होगा, तो एक्चुअल में हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 80,000। मतलब जो गाड़ी थी वो 80,000 की थी, बट उसने कितने की बेची, 64,000 की, और उसको लॉस कितने का हुआ, 20,000 का। ये था इस क्वेश्चन का बेसिक मीनिंग। मैंने कुछ नहीं करा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, अगर जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला लिखा मतलब बताए हैं, अगर आप उससे भी सॉल्व करना चाहो पर कर सकते हो, पर फॉर्मूला जो है मुझे तो याद नहीं रहते भाई, लॉन्ग लाइफ के लिए मुझे तो याद नहीं रहते, मुझे कंसेप्ट याद रहता है और मैं उसी को ही फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा, 80,000, कितना आया, 80,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं आपको बड़ी डीपली से समझा रहा हूँ, क्योंकि टाइप 1 में ही आपकी एक सोच बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड, अगर वो सोच आपकी कमज़ोर रहेगी तो आप टाइप 2 और टाइप 2 में फंसोगे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है कि आपकी जो सोच है वो मजबूत हो प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब अगर सीपी है जो हमारा 80% हो जाए एसपी के, तो प्रॉफिट कितना होगा, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4/5। सीपी इज इक्वल टू 4/5 SP, तो सीपी डिवाइडेड बाय एसपी कितना आ गया, 4/5। मतलब आप बोलोगे सीपी 4 है, एसपी 5 है, मतलब एक दुकानदार होगा, उसने चीज़ 4 में खरीदी बट बेची कितने, 5 में, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, आप बोलोगे सर 25% का उसको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट, गेन। इसको हम प्रॉफिट भी बोलते हैं और इसको हम लाभ भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। ठीक है,
तो ये था हमारा क्वेश्चन। कुछ नहीं करा मैंने, इस फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, रेशो ली, और इधर फिर आ गया ये, अगर CP 4 है, मतलब दुकानदार ने 4 रुपये पे खरीदी, बेची कितने में, 5 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 1 का। 1 का हुआ कितने पे, 4 पे, तो 100 पे कितना, 25 रुपये का। ये था आपका आंसर 25%। अब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। मतलब अगर CP हमारा 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो SP कितने का हो जाएगा, 5 + 1 = 6, ठीक है। SP कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6। अब उन्होंने बोला है हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है किस पे, सेल प्राइस पे, सेल प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है हमने। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, कितने पे निकालना है, 6 पे × 100। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि हमने प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। मैंने बोला था अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इधर क्वेश्चन में गिवन है कि आपने प्रॉफिट किस पे निकालना है, सेल प्राइस में, मतलब आपको सेलिंग प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला होता तब आप कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते, तो ये आ जाएगा हमारा 100/6। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 50/3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 16 2/3%, मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 16 2/3%, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि एक व्यापारी है, उसने एक आर्टिकल खरीदा 27 रुपये में, फिर उसको बेचा और उसको प्रॉफिट हुआ 10% का। प्रॉफिट किस पे हुआ, सेलिंग प्राइस पे। अब हम प्रॉफिट को किस पे हुआ है, सेलिंग प्राइस पे। अब हमने क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट हुआ 10% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/10। अब उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस पे हुआ है ना, तो ये नीचे वाली जो टर्म है ये हुआ सेलिंग प्राइस, मतलब अगर हमारा सेलिंग प्राइस 10 है और प्रॉफिट 1 का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 9 ही हुआ, मतलब उसने खरीदा 9 पे, बेचा उसने 10 पे, तभी उसको 1 का प्रॉफिट हुआ होगा। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको, कि क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि उसने उसको सेलिंग प्राइस पे बेचा है, मतलब जो ये डिनोमिनेटर है ये सेलिंग प्राइस है, मतलब उसने 10 पे बेचा, उसको 1 का प्रॉफिट हुआ, तो उसने खरीदा कितने पे होगा, 9 पे। अब हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस पे 9 पे खरीदा है, बट वो बोल रहा है कि 27 पे खरीदा है, तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस भी कितना ज़्यादा होगा, 3, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आया हमारा ₹30। ये 25 25 सेकंड के क्वेश्चन हैं अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे। इसके लिए क्या आपको एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी, घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस की आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है इन्हीं मेथड्स के साथ। तो इसका आंसर कितना आया, ₹30। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये SSC CGL Tier 1 2010 में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, एक व्यक्ति अपनी चीज को बेचकर उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 25%। किस पे हुआ ये ध्यान रखना आपने, किस पे हुआ है, सेलिंग प्राइस पे हुआ है, मतलब 25% का अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 25/100 1/4, मतलब ये जो नीचे वाली चीज़ है ये आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर 4 है, प्रॉफिट हमें 1 का हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस ₹3 ही होगा, मतलब वो हमें 4 की दे रहा है, तो खुद उसने 3 की खरीदी होगी, तभी वो 1 का उसको प्रॉफिट होगा। अब उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट 1/3, 1/3, 1/3 × 100। अब 3 क्यों, क्योंकि अब मैंने बोला था कि प्रॉफिट आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालोगे, तो ये आ जाएगा हमारा 100/3, ये आ जाएगा 33:1/3%, मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 33:1/3% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन करा होगा कि उसको प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है या कॉस्ट प्राइस पे, लागत मूल्य पे हो रहा है या बिक्री मूल्य पे हो रहा है, बस उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन में कार्रवाई करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। हाँ, इसमें आपको एक नया कंसेप्ट का पता लगेगा। एक व्यापारी है, उसने रेडियो खरीदा 225 रुपये में, फिर उसकी रिपेयर करवाई कितने की, रिपेयर का खर्चा आया 15 रुपये का, फिर उसको बेच दिया उसने 300 रुपये में। अब हमने बताना है कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ। मेरी बात एक हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, कि जितने की आपने चीज़ खरीदी वो
प्लस जितना आपने उस पर खर्चा करा, इधर उसने कितना करा था 15 का, तो कितना हो जाएगा ये 225 प्लस 15, ये हो जाएगा 240। मतलब हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है 240। सेलिंग प्राइस उसने बेचा कितने पे, 300 पे, 300 पे बेचा, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको 60 रुपये का, प्रॉफिट 60 रुपये का ही हुआ। मैंने अगर चीज़ 240 में खरीदी, मैं उसको 300 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे 60 का प्रॉफिट हुआ। अब उन्होंने प्रॉफिट नहीं, उन्होंने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 60 का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, ये आ जाएगा 1/4। मतलब उसको 25% का प्रॉफिट हुआ अगर उसने चीज़ कितने में बेची, 300 रुपये में उसने अगर हमारी चीज़ जो है वो बेची है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसका आंसर है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो टाइप वन है ये बेसिक है, इससे आपकी सोच डेवलप होनी चाहिए। अगर आपकी सोच डेवलप नहीं हुई तो आप फिर से इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। अगर आपने ये सोच डेवलप कर ली तो आप फॉर्मूलों में नहीं जाओगे, बस जो कंसेप्ट मैंने बताया आप उसी के साथ क्वेश्चंस को क्या है सॉल्व करोगे। समझ आई मेरी बात? अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बंदे ने बाईसाइकिल खरीदी 1400 रुपये में, मतलब सीपी उसका है 1400, क्वेश्चन के हिसाब से 1400, लॉस हुआ उसको 15% का। लॉस कितने का हुआ, 15% का, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, ये आ जाएगी 3/20, 3/20। अब उसने बोला ना लॉस हुआ है, ये नहीं बोला किस पे हुआ है। अगर ऐसा मेंशन ना करा हो तो आपने समझ लेना है कि जो हमें लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। तो ये नीचे वाली चीज़ क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। मगर तो मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 20 था और हमें 30 का, 3 रुपये का लॉस हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस 17 नहीं हुआ। मैंने चीज़ 20 रुपये में खरीदी, मैंने आगे 17 रुपये में बेच दी, तो मुझे लॉस 3 रुपये का ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 20 रुपये नहीं, वो तो 1400 रुपये है, तो कितना ज़्यादा है 70, तो इधर भी कितना ज़्यादा होगा 70, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17 × 70, ये आ जाएगा 1190 रुपीज़। मतलब उसने 1400 रुपये में खरीदी बट उसने बेची कितनी, 1190 में, तो जिसकी वजह से उसको कितने का हानि हो गई, उसको 15% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, लॉस हो गया उसको, 15% का लॉस हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसका आंसर है 1190 रुपये। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रॉफिट हो रहा है किस पे, अब उन्होंने मेंशन कर दिया ना कॉस्ट प्राइस पे, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 30/100, 3/10, तो ये हुआ हमारा सीपी। मतलब सीबी अगर 10 है, प्रॉफिट हमें 3 का हो रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 13 का, 13 का कितने का हो गया, 13 का एसपी कितने का हो गया, 13 का। अब उन्होंने बोला है कि आपने प्रॉफिट परसेंट निकालना है सेलिंग प्राइस पे, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें, 3 का, कितने का हुआ, 3 का, कितने पे, 13 पे, तो 100 पे कितना, ये आ जाएगा 300/3%। आप इसको डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हो, बट ये हमारा आंसर है 300/13%। उनने बोला कि प्रॉफिट कितना हुआ, 30%, किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस, मतलब 3/10, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। मतलब दुकानदार ने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और उसको बेचा कितने पे, 13 रुपये पे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 3 का, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 10 13 पे। अब मैंने इधर 13 क्यों लिया, 13 क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि प्रॉफिट अब हमने जो निकालना है वो सेलिंग प्राइस पे ही निकालना है, तब हमें इधर नीचे सेलिंग प्राइस ही लेना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा हमारा 300/13%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसमें मेंशन करा था कि हमें सेलिंग प्राइस पे ही निकालना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मतलब 20/100, 1/5, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5, प्रॉफिट कितने का है, 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 6 रुपये, सेलिंग प्राइस 6 रुपये हुआ। अब उन्होंने पूछा कि जो सेलिंग प्रॉफिट होगा वो सेलिंग प्राइस पे कितना होगा, प्रॉफिट हुआ कितना है, 1 रुपया, पूछा किस पे है, सेलिंग प्राइस पे इंटू 100, ये आ जाएगा 100/6, ये आ जाएगा 50/3, ये आ जाएगा 16 से ही 2/3 का
उसको प्रॉफिट हुआ किस पे, सेलिंग प्राइस पे, किस पे, सेलिंग प्राइस पे, कितने का, 16 से ही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹651 देयर इज ए लॉस ऑफ 7%। लॉस कितना बोला है, 7% का, मतलब 7/10, 7/10। तो मतलब सीपी कितना हो गया हमारा, 100, और लॉस कितना हुआ है हमारा, लॉस हुआ है हमारा 7 का। तो एसपी कितना हो गया, 100 - 7, एसपी कितना हो गया, 100 - 7, तो ये आ जाएगा हमारा 93। अब वो बोल रहा है कि उसने जो चीज़ बेची है वो 93 पे नहीं, 651 पे बेची है। कितने पे बेची है, 651। तो 93 से 651 कितना ज़्यादा है, 7, 7। कैसे, 651 डिवाइडेड बाय 93, 7। तो कॉस्ट प्राइस भी 7 ज़्यादा होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, ₹700। मतलब उसने चीज़ कितने में खरीदी थी, ₹700 की, बट बेची कितने में, 651 में, जिसकी वजह से उसको कितने का लॉस हुआ, 7% का। तो ये था हमारा आंसर। अब है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th क्या है कि एक बंदे ने टाइपराइटर खरीदा ₹1200 में, सीपी हो गया 1200। अब उस पे उसने ₹200 खर्चा करा। मैंने बोला जो वो खर्चा कर रहा है वो भी सीपी में ऐड होगा, तब हमें अपना ओरिजिनल सीपी मिलेगा। मतलब उसका सीपी कितना हुआ, ₹1400 का। फिर उसने उसको बेच कितने में दिया, 1680 में, बेच कितने में दिया, 1680 में। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 280 का। 280 का कैसे का, 1680 - 1400, तो कितना आएगा, 280। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 280 का। अब हमसे प्रॉफिट नहीं, हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो वो कैसे निकलेगा, जितना प्रॉफिट कितने पे, 1400 पे, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। आप बोलोगे सर उसको तो 20% का प्रॉफिट हुआ। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th टाइप 1 का। इसी के साथ आपकी टाइप 1 भी फिनिश होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। आई होप आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आया होगा और आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए हैं, इस बार इन चारों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके बाद आएगी टाइप 2 की वीडियो, उसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल होगा, और टाइप 3 में जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। सो कीप देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।